हेलो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा था ब्लड रिलेशन के बारे में। मैंने दोस्तों पांच अलग अलग जेनरेशन के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों हमने अपने आप को और आपने अपने आप को थर्ड जेनरेशन में खुद को अज्यूम किया था, फिर जो बाकी जेनरेशन है उनसे हमारा क्या रिलेशन है ये हमने डिस्कस किया था। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन भी लिया था जिसके हेल्प से हमने फैमिली ट्री बनाया था और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो लोग लास्ट के लेक्चर को देखें फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन। अब दोस्तों कोई भी आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, फैमिली ट्री बनाना। जहां भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिले, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो आपको फैमिली ट्री बनाना है। उसके बाद आप सारे सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। वेरी क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दो। M is mother of B. M जो है वो B के मदर है। M is mother of B. ये हमने B ले लिया। B के मदर कौन है दोस्तों? M है। अब दोस्तों B का कोई जेंडर दिया हुआ नहीं है और मैंने आपको क्या बोला कि जब तक आपको क्वेश्चन में हिंट ना मिले आप अपने मन से कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। और दोस्तों ओनली आप ब्लड रिलेशन में सिर्फ लीगल रिलेशनशिप को ही लेंगे, जो लीगल रिलेशनशिप है उसे ही ब्लड रिलेशन में आप लेंगे। वेरी क्लियर। M इज मदर ऑफ B, M मदर है, फीमेल है, B का जेंडर स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, A इज हस्बैंड ऑफ M, A जो है वो M के हस्बैंड है। वेरी क्लियर दोस्तों, M के हस्बैंड कौन है? A है। मतलब कि M और A क्या हो गए? कपल हो गए। और दोस्तों कपल है तो हम लोग बोथ साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी क्लियर दोस्तों, आगे देखेंगे। N इज द ब्रदर ऑफ B, N जो है वो B का क्या है दोस्तों? ब्रदर है। ब्रदर है मतलब कि भाई है, भाई है मतलब क्या हो गया दोस्तों? मेल, मेल मतलब क्या? पॉजिटिव। वेरी क्लियर। नेक्स्ट ध्यान देंगे, C मैरिड टू N, C का मैरिज किससे हुआ दोस्तों? N से हुआ। ये B और N दोनों क्या है दोस्तों? ब्रदर है। N का जो मैरिज है वो किससे हुआ? C से हुआ। अब दोस्तों N और C क्या हो गए? N और C कपल हो गए। और जब N और C कपल है देन इट इज वेरी ऑब्वियस हम इसे बोथ साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी क्लियर दोस्तों, अभी तक हमें B का जेंडर दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ C. Q जो है किसका चाइल्ड है? C का। और ओनली चाइल्ड है किसका दोस्तों? C का। अब दोस्तों अभी तक आपको Q का जेंडर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि Q जो है वो C का क्या है? चाइल्ड है। वेरी क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान देंगे, N does not have any sister. N की कोई भी सिस्टर नहीं है। अब दोस्तों N जो है B का ब्रदर है और दोस्तों जब ये बोल रहा है कि N का कोई भी सिस्टर नहीं हुआ तो जो B जिसका जेंडर हमें अभी तक नहीं पता था वो भी क्या हो गया? ये भी मेल हो गया। मतलब कि B और N दोनों भाई हैं, ब्रदर हैं, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है N does not have any sister. वेरी क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान देंगे, J इज द फादर ऑफ A. J जो है वो A के क्या है दोस्तों? फादर है। अब दोस्तों A और A के फादर कौन? J. अब दोस्तों क्लियर आपको फादर बोला है, फादर बोला है मतलब मेल, मेल मतलब पॉजिटिव।
वेरी क्लियर दोस्तों, एक चीज और दिया है लास्टली, ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंडसन, ए का कोई भी ग्रैंडसन नहीं है। तो दोस्तों जो ये ए दिया हुआ है इसके अगर हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रेन की बात करें तो दोस्तों ए का एक ही ग्रैंड चिल्ड्रेन दिया हुआ है। ए और एम क्या है दोस्तों, कपल्स हैं और इनका ग्रैंड चिल्ड्रेन एक ही क्यू दिया है और क्लियर बोला गया है कि ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंडसन, ए का कोई भी ग्रैंडसन नहीं है। तो दोस्तों ये जो ग्रैंड चिल्ड्रेन दिया हुआ है ए का, इट इज वेरी क्लियर ये ग्रैंडसन नहीं है। अगर ग्रैंडसन नहीं है तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये ग्रैंड डॉटर हुआ, मतलब कि क्यू क्या है, क्यू एक फीमेल है। वेरी क्लियर दोस्तों, देखिए आपको अगर क्वेश्चन में जेंडर अगर बताना होगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंडसन, ए का कोई ग्रैंडसन नहीं है, ए का दोस्तों एक ही ग्रैंड डॉटर दिया है, अगर ये ग्रैंडसन नहीं है तो ग्रैंड डॉटर होगा। वेरी क्लियर, मतलब कि क्यू फीमेल, फीमेल मतलब हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन के ऊपर आओ, वेरी क्लियर, हाउ मैनी फीमेल्स इन दिस फैमिली, ये जो फैमिली है दोस्तों इसमें कितने फीमेल्स हैं, ध्यान दो एक दो और तीन, कितने फीमेल है दोस्तों इसमें, टोटल तीन फीमेल हैं। थ्री, हाउ मैनी मेल्स इन दिस फैमिली, इस फैमिली में कितने मेल्स है, पॉजिटिव मतलब मेल, एक दो तीन और चार, कितने मेल हो गए दोस्तों, चार मेल हो गए इस फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, हाउ इज ए रिलेटेड टू एन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एन, अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप इस वे में मूव करो, आप इस वे में मूव करो। वेरी क्लियर दोस्तों, अब ध्यान दो एन से आप ए तक पहुंचो, एन से आपको ए तक पहुंचना है। अब दोस्तों एन और बी ब्रदर हैं और दोस्तों इनके पेरेंट्स एम और ए हैं, तो दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूं, ए इज फादर ऑफ एन, ए जो है वो एन के क्या हुए दोस्तों, फादर हुए। वेरी क्लियर, ये दोनों कपल्स हैं और ये दोनों इनके क्या है दोस्तों, सन है, तो हम क्लियर बोल सकते हैं A is father of N, A जो है वो N के क्या है दोस्तों, father है, A is father of N, A is father of N. Next, how is C related to M, C का M के साथ क्या relation है, फिर से दोस्तों अगर आपको ऐसा question पूछा जाए तो आप उसी way में move करो, M से आप C तक पहुंचो, M देखो कहां पे है, M और ये क्या है दोस्तों, सी। वेरी क्लियर दोस्तों, अब आपको एम से सी तक पहुंचना है, एम और ए क्या है दोस्तों, मैरिड कपल है, अब इनके दो सन से है, दो उनके बेटे हैं, कौन कौन, बी और एन, और एन की जो स्पॉसी है वो कौन है, सी है, एन की जो स्पॉसी है वो कौन है दोस्तों, सी है। तो दोस्तों सी एम की क्या हुई, सी एम की क्या हुई दोस्तों, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, सी जो है वो एम की क्या है, डॉटर इन लॉ है, क्योंकि इनका जो सन है एन उसकी स्पॉसी कौन है, सी है, तो आप क्लियर बोल सकते हैं सी इज डॉटर इन लॉ, सी इज डॉटर इन लॉ, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, C is daughter-in-law of M. Next ध्यान दो, How is A related to C? A का C के साथ क्या relation है? फिर से दोस्तों, आपको जैसा मैंने बताया वही pattern follow करो, C से A तक पहुंचो, C पहुंचना कहां तक है दोस्तों, A तक पहुंचना है। अब दोस्तों A और C का क्या रिश्ता है? C जो है वो स्पॉसी है N की, B और N ब्रदर है और इनके पेरेंट्स कौन है, M और A, उसमें से A क्या है दोस्तों, फादर है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, A का सन N है और N की स्पॉसी कौन है, C है, तो दोस्तों A क्या हुए C के,
ए क्या हुए सी के फादर इन लॉ, क्या हुए दोस्तों फादर इन लॉ, तो हम क्या बोल सकते हैं ए इज फादर इन लॉ, ए इज फादर इन लॉ। ऑप सी, ए जो है सी के क्या है दोस्तों फादर इन लॉ है। नेक्स्ट ध्यान दो, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, जे का बी के साथ क्या रिलेशन है। फिर से आप ऐसे मूव करेंगे, वेरी क्लियर, बी टू जे, बी टू जे। अब दोस्तों बी टू जे आप पहुंचेंगे, अब बी जो है वो सन है किसका, एम और ए का, और दोस्तों ए के फादर कौन है, जे है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जे जो हुए वो बी के क्या हुए दोस्तों ग्रैंडफादर हुए, क्या हुए दोस्तों ग्रैंडफादर। क्लियर, देखो अलग अलग जनरेशन गैप, बी के फादर ए, ए के फादर कौन जे, तो जे बी के क्या हुए दोस्तों ग्रैंडफादर। हम क्या बोल सकते हैं जे इज ग्रैंडफादर ऑफ, जे इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, जे जो है वो बी के क्या है ग्रैंडफादर है। नेक्स्ट ध्यान दो, हाउ बी इज रिलेटेड टू क्यू, बी क्यू से कैसे रिलेटेड है, बी एंड क्यू, मतलब दोस्तों आपको फिर से ऐसे मूव करना है, ठीक है। अब देखो क्यू, क्यू जो है वो डॉटर है किसके, सी के, सी के स्पॉसी कौन है, एन है, और एन जो है वो बी के ब्रदर है। तो दोस्तों बी और क्यू का क्या रिलेशन हुआ, आप क्लियर बोल सकते हैं बी जो है वो क्यू के क्या हुए दोस्तों अंकल हुए, क्योंकि एन और सी इसके पेरेंट्स हैं, किसके क्यू के, और बी एन का ब्रदर है, तो दोस्तों क्यू क्या हुए बी के अंकल हुए। अब दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिक वे में बात करूं तो दोस्तों ये कौन से अंकल हुए, मैटरनल अंकल की पैटर्नल अंकल। इट इज वेरी क्लियर कि बी जो है वो एन के ब्रदर है, मतलब कि पापा के, मतलब फादर के ब्रदर, और दोस्तों फादर के साइड वाले जो रिलेशन होते हैं उसे हम पैटर्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, बी जो है वो क्यू के पैटर्नल अंकल है। अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, बी जो है वो क्यू के क्या है दोस्तों पैटर्नल अंकल है। वेरी क्लियर दोस्तों, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, अगर आप एक बार अच्छे से फैमिली ट्री बना लेते हैं तब। वेरी क्लियर दोस्तों, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और खुद से फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करो। ट्राई किया सभी ने, एवरीवन? चलिए जिन लोगों ने भी ट्राई किया है वो लोग अभी जो मैं फैमिली ट्री बनाऊंगा उससे मैच करेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी की क्या है दोस्तों मदर है। अब दोस्तों मदर है मतलब कि फीमेल है, फीमेल को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दो, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सी की सिस्टर है, बी एंड सी आर ब्रदर एंड सिस्टर, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब दोस्तों तो बी क्या हो गया, वेरी क्लियर बी इज फीमेल, अभी सी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है। वेरी क्लियर दोस्तों, डी इज द सन ऑफ सी, डी जो है वो सी का क्या है दोस्तों सन है, सी का सन कौन है, डी है, डी है, सन है दोस्तों, मेल है, मेल है मतलब हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी क्लियर, नेक्स्ट ध्यान दो, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई जो है वो डी का क्या है ब्रदर है, दोस्तों सी का सन है डी, और डी का ब्रदर कौन है, ई है, ब्रदर है मतलब कि मेल है, मेल है मतलब हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान दो, एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ जो है वो ई की मदर है, एफ इज द मदर ऑफ ई। अब दोस्तों ई और डी ब्रदर हैं,
और E और D के फादर कौन हुए? C हुए, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि आपका F इज मदर ऑफ E. तो दोस्तों अगर F मदर हुई तो दोस्तों C क्या हुए? फादर हुए. इसका मतलब क्या हुआ कि C और F मैरिड कपल हैं. C एंड F आर मैरिड कपल और क्लियर दिया हुआ है कि F जो है वो मदर है. तो दोस्तों C क्या हुआ? C फादर. तो दोस्तों हमें क्या समझा अभी तक कि C और F एक मैरिड कपल हैं, उनके दो सन्स हैं D और E. वेरी क्लियर दोस्तों. नेक्स्ट ध्यान दो, G इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ A. जी जो है वो ए के ग्रैंड डॉटर है. जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए. अब दोस्तों ए के ग्रैंड डॉटर, अभी देखो ए पे ध्यान दो, ए के कितने चिल्ड्रन दिए हुए हैं? दो, एक बी और एक सी, जिसमें से दोस्तों सी का क्लियर दिया हुआ है कि उसका मैरिज जो है वो एफ के साथ हुआ है. और दोस्तों बी के बारे में, मैरिज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ. और दोस्तों ए के ग्रैंड डॉटर की बात की जा रही है तो दोस्तों इसके ए के दो चिल्ड्रेन है, बी और सी. अब दोस्तों ये जो ग्रैंड चिल्ड्रेन है, ग्रैंड डॉटर है, ये बी की भी हो सकती है और सी की भी हो सकती है. अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई ए के जो दो चिल्ड्रेन है बी और सी, उसमें से सिर्फ सी की मैरिज हुई है. तो दोस्तों अगर ये जो ग्रैंड डॉटर है ये सी की ही डॉटर होगी. दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है. आप ये अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप ये अज्यूम करेंगे तो योर आंसर में भी इनकरेक्ट, आपका आंसर गलत हो सकता है. सिर्फ क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए. जी जो है वो ए की ग्रैंड डॉटर है. तो दोस्तों ए के दो चिल्ड्रेन है बी और सी, दोनों में से वो किसी एक की क्या है दोस्तों? डॉटर है. तो दोस्तों हम दोनों केस अज्यूम कर लेते हैं कि मे बी ये जो आपकी जी है ये बी की डॉटर है. अब दोस्तों ये क्या है? फीमेल है, क्योंकि ग्रैंड डॉटर बोला गया है. और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों ये सी की डॉटर है. ऐसा भी हो सकता है कि ये सी की क्या है दोस्तों? डॉटर है. बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या करते हैं कि उन्हें दिखता है कि सी और एफ मैरिड कपल है, बी का मैरिड के बारे में कोई इंडिकेशन दिया हुआ नहीं है, तो वो डायरेक्टली अगर ऐसा दिया है तो वो जी को क्या मान लेंगे? सी का डॉटर मान लेंगे. दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बी की मैरिज हुई होगी और उसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई होगी. वेरी क्लियर. तो आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, डायरेक्टली दिया हुआ है कि जी जो है ग्रैंड डॉटर है ए की, तो दोस्तों वो बी की भी डॉटर हो सकती है और सी की भी डॉटर हो सकती है. हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी मान लिया. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान देंगे. एच हैज ओनली टू चिल्ड्रेन बी एंड सी. एच के दोस्तों सिर्फ दो चिल्ड्रेन है बी और सी. अब दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि ए के दो चिल्ड्रेन है बी और सी, और ये बोल रहा है कि एच के भी दो चिल्ड्रेन है बी और सी. ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब एच और ए मैरिड कपल हुए. तो दोस्तों ये बोल रहा है कि एच के सिर्फ दो चिल्ड्रेन है, तो एच की जो मैरिज है वो किससे हुई? ए से. तो इन दोनों के दो चिल्ड्रेन है बी और सी. और दोस्तों ए क्लियर दिया हुआ था, फीमेल है, तो एच क्या होगा? मेल होगा. मैंने आपको पहले ही बोला है हम लोग ब्लड रिलेशन में सिर्फ लीगल रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. दोस्तों इस चीज में बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो. अगर क्लियर नहीं दिया हुआ है आप दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चलेंगे. वेरी क्लियर दोस्तों. अब आपने क्या किया? फैमिली ट्री बना लिया. क्वेश्चन पे ध्यान दो. Who is the mother of G? ये जो G है इसके मदर कौन है? अब दोस्तों वेरी क्लियर, इसके मदर B भी हो सकते हैं और G के मदर F भी हो सकते हैं. C और F मैरिड कपल है, C फादर है, तो इसके मदर F भी हो सकते हैं और इसके मदर B भी हो सकते हैं. क्योंकि क्लियर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ये जो G है किसकी डॉटर है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है.
तो दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, आइदर आइदर एफ और बी, या तो एफ या तो बी। और दोस्तों कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ मिलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो इन दोनों से जो भी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, एदर एफ और बी और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वेरी क्लियर दोस्तों, कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, ये जो एफ है वो एच से कैसे रिलेटेड है, मैंने क्या बोला था, ऐसा दिया हुआ है आप इस वे में मूव करो, एच टू एफ, कहां है भाई एच, एच और एफ, एच और एफ। अब दोस्तों एच और ए मैरिड कपल है, अब इन दोनों के दो चिल्ड्रेन हैं, कौन दो, बी और सी। और दोस्तों बी और सी में जब आप देखेंगे तो बी क्या है, डॉटर है, सी सन है। तो दोस्तों सन की स्पॉसी कौन है, एफ है। तो दोस्तों सन की स्पॉसी एच की क्या हुई, तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि सन की स्पॉसी क्या हुई, उसकी डॉटर इन लॉ, क्या हुई दोस्तों, डॉटर इन लॉ। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज डॉटर इन लॉ, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच। ये जो एफ है वो एच की क्या है दोस्तों, डॉटर इन लॉ है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, जस्ट अपोजिट, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, आप इस वे में मूव करो, एफ टू एच, F to H। अब दोस्तों F जो है वो C की स्पॉसी है, और दोस्तों C की मदर कौन है, H है। तो दोस्तों स्पॉसी की मदर क्या हो गई, मदर इन लॉ, क्या हो गई दोस्तों, मदर इन लॉ। तो हम क्या बोल सकते हैं, H is mother in law, H is mother in law of F, H is mother in law of F। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, हाउ इज ई रिलेटेड टू एच, ई और एच का क्या रिलेशन है, ई और एच। अब दोस्तों फिर से आप इस वे में मूव करेंगे, ए और एच दोस्तों मैरिड कपल है, इनके दो चिल्ड्रेन है, बी और सी। और दोस्तों ई जो है वो सी का क्या है दोस्तों, सन है। अब दोस्तों इट इज वेरी क्लियर कि इसके सन कौन है, सी, और सी के सन है ई। तो दोस्तों सन का सन क्या होगा, ग्रैंडसन, सन का सन क्या होगा, ग्रैंडसन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ई इज ग्रैंडसन, ई इज ग्रैंडसन ऑफ एच, ई इज ग्रैंडसन ऑफ एच। वेरी क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, E जो है वो B के साथ कैसे रिलेटेड है, हाउ इज E रिलेटेड टू B। फिर से दोस्तों B टू E ध्यान देंगे, B और E का क्या रिलेशन होगा, ये जो C है वो E के फादर हैं, और दोस्तों ये जो B है वो C की सिस्टर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि C क्या हो गया दोस्तों, C इज नेफ्यू ऑफ B, C जो है वो B के क्या हो जाएंगे, नेफ्यू हो जाएंगे, E is nephew of B। मेरी क्लियर दोस्तों, कोई कंफ्यूजन। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, अभी हम गेट के प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, वो तो इससे भी इजी है। मैं एक साथ आपको पांच पांच क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको गेट में इसमें से कोई एक दो नंबर के लिए या एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट गेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। M has a son Q and a daughter R। M है दोस्तों, उसके दो चाइल्ड के बारे में बात की गई है, एक दोस्तों उसका सन है क्यू, सन है मतलब मेल है, हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक डॉटर भी बोला गया है आर,
दोस्तों डॉटर है, फीमेल है, उसे हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक आपको एम का जेंडर दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज नो अदर चिल्ड्रेन। और क्या बोला गया है दोस्तों कि ये जो दो चिल्ड्रेन है क्यू और आर एम के, इनके अलावा इसके और कोई चिल्ड्रेन नहीं है। और दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है ही। अब दोस्तों ये ही किसके लिए यूज किया गया है, ये ही एम के लिए यूज किया गया है। अब दोस्तों ही हम लोग हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं, देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि एम क्या है, एक मेल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एम जो है वो क्यू और आर के क्या है, फादर है। वेरी क्लियर। आगे ध्यान दो, ई इज द मदर ऑफ पी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ एम। ई जो है वो पी की मदर है और ई जो है वो डॉटर इन लॉ है एम की। वेरी क्लियर दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, ई इज मदर ऑफ पी, और बोला गया है आपको ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम। अब दोस्तों ई इज मदर ऑफ पी, दोस्तों अभी तक ना हमें ई मिला है ना हमें पी मिला है। नेक्स्ट पे ध्यान दो, ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम। ये जो ई है वो एम की डॉटर इन लॉ है। तो दोस्तों डॉटर इन लॉ कौन होती है, दोस्तों एम का सन है क्यू, और क्यू की जो स्पॉसी होगी वो डॉटर इन लॉ होगी किसकी, एम की। मतलब कि क्यू जिससे मैरिज करेगा वो एम की क्या होगी दोस्तों, डॉटर इन लॉ होगी। देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि क्यू का जो मैरिज है वो किससे हुआ है, ई से हुआ है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि एम जो है क्या है दोस्तों, इसके फादर इन लॉ हुए ई के, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, ये अब क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट दो, ई इज मदर ऑफ पी। ये जो ई है वो पी की मदर है, ई इज मदर ऑफ पी। अब दोस्तों ई मदर ऑफ पी है, देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि पी यहां पे आएगा। अब ध्यान दो दोस्तों, आपने फैमिली ट्री बहुत ही इजीली बना लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पे ध्यान दो, हाउ पी इज रिलेटेड टू एम। ये जो पी है वो एम से कैसे रिलेटेड है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा आपको पूछा जाए आप इस वे में मूव करो, एम टू पी आपको पहुंचना है। अब दोस्तों एम का जो सन है वो क्यू है, और दोस्तों क्यू की स्पॉसी ई है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई जो है वो मदर है पी की। अब दोस्तों ई और क्यू क्या हुए, कपल हुए। तो दोस्तों इनका जो आपका चाइल्ड है वो कौन हुआ, पी हुआ। और दोस्तों एम का चाइल्ड है क्यू और क्यू का चाइल्ड है पी। तो दोस्तों एम और पी का क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड चाइल्ड का। अब दोस्तों ये जो पी है इसका आपको जेंडर कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब दोस्तों ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। अगर मेल होगा तो ये एम का ग्रैंडसन होगा, अगर फीमेल होगा तो ये एम की ग्रैंड डॉटर होगी। अब दोस्तों इसमें कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि पी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम। पी जो है वो एम की क्या है दोस्तों, ग्रैंड चाइल्ड है। ऑप्शन पे ध्यान दो, ग्रैंडसन हम बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। ग्रैंड चाइल्ड हम बोल सकते हैं क्या, हाँ भाई ग्रैंड चाइल्ड है। सी मे बी ग्रैंड डॉटर और ही मे बी अ ग्रैंड सन, तो ऑप्शन बी अभी तक करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रैंड डॉटर बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि पी का जेंडर स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। हम डिटरमाइन कर सकते हैं भाई कि पी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम। वेरी क्लियर दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। नोट कर लिया सभी ने, एवरीवन। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ। आने वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट गेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें,
प्रैक्टिस करते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया। गुड बाय।